महिला मंत्रियों के नाम सुनने को तैयार सर, इसी प्रचार प्रसार क्या हो रहा, प्रचार प्रसार के माध्यम सांस सुन लीजिए जरा, आप नहीं दलित, आप दलित नहीं होंगे इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मानवर काफी वरिष्ठ साथियों ने इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी पर अपने विचार रखने का काम किया। मैं खास तौर से मनोज झा जी से और तमाम उन साथियों से जिन्होंने इस देश में जो लाखों की संख्या में लोग असमय मृत्यु के को प्राप्त किए, उनके प्रति जो अपना प्रेम दर्शाने या उनके प्रति जो निष्ठा दर्शाने का काम किया, मैं उनके साथ संबद्ध करते हुए, मानवर हमारे देश की और खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मैनेजमेंट को इस तरह से टीवी और अखबारों के माध्यम से दर्शाने का काम किया कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब ऑल इज वेल है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। मेरी पार्टी के राज्यसभा के सांसद माननीय राम जी, उनके भाई इस कोविड महामारी में इस वजह से एक्सपायर हो गए कि ना उनको दवाइयां मिली, ना उनको प्रॉपर अस्पताल मिला। मेरे अपने खुद भाई के ब्रदर इन लॉ, मैं पूरी रात कानपुर सीएमओ से लेकर के कानपुर कलेक्टर तक को फोन करता रहा, किसी ने फोन उठाने की जरूरत नहीं समझी और कोई जवाब नहीं। अंततः 1 बजे रात में उनकी मृत्यु हो गई। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत। और इस सरकार उस सरकार को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने समय समय पर ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कितने बार ये बात बताने का काम किया कि हमको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमें गांव के गरीबों में और खास तौर से मानवर उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए उन चुनाव को टालने की अपील हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने की। और नहीं, उसके बाद भी 6 चरणों में चुनाव कराया गया जिसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मर गए उसमें, और उन कर्मचारी ड्यूटी में कोविड, और उनकी गिनती नहीं हुई। उनके परिवारों को ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही उनके परिवार के किसी बच्चे को नौकरी देने का काम किया है सरकार ने। अपना समय आए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्या कर दिया, क्या कर दिया है? आप काउंट तो करिए उनको, जब आप कर बोल लीजिएगा, आप भी बता दीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ। अशोक जी, आप चेयर को एड्रेस करिए, आप बैठे प्लीज, सीट मान बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। बाद में प्रचार प्रसार की लिमिट आपका समय निकल रहा है। नहीं अभी कैसे, 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट है सर, 2 मिनट हुआ है, बोलिए प्लीज, चेक कर दीजिए। मानवर जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, प्रचार प्रसार की बात है तो पेट्रोल पंप पे जया जी प्लीज, अशोक जी का टाइम जा रहा है इसमें। पेट्रोल अशोक जी आपका टाइम जा रहा है, आप बोलिए प्लीज, अन्याय कर रहे हैं आप, आपको डिस्टर्ब, आप बोलिए प्लीज सर। प्रचार प्रसार जहां तक पेट्रोल, जैसा कि मनोज जी ने कहा, पेट्रोल पंप पे बाहर बोर्ड पे लिखा मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, ये सब प्रचार हो रहा। मानवर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आदमी कोई उस समाज से ताल्लुक रखता है, दलित हो खास तौर से या महिला हो, पिछड़ा हो। अभी कल की तारीख में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि दलित मंत्रियों को सुनने के लिए कोई उनके नाम सुनने को तैयार नहीं, महिला मंत्रियों के नाम सुनने को तैयार, सर इसी प्रचार प्रसार क्या हो रहा, प्रचार प्रसार के माध्यम सांस सुन लीजिए जरा, आप नहीं दलित, आप दलित नहीं होंगे इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। ये कहा कि दलित मैंने मंत्री बनाए उनका नाम सुनने को कोई तैयार नहीं, विपक्ष में महिला बनाई उनको सुनने को तैयार नहीं, या फिर आदिवासी बनाए उनको तैयार नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दलित क्या, सुनिए पूरा सुन लीजिए, दलित आदिवासी और पिछड़े, जब ये अखबार में निकलता है कि किसी दलित के घर में किसी नेता ने खाना खाया, तो उस दलित जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है उससे पूछिए उसे कितनी पीड़ा होती है कि 73 साल के बाद भी आज दलित के घर में खाना आज भी सुर्खियां बनती हैं। क्यों, उनका क्या उसमें उनका राष्ट्रीय संविधान में अधिकार नहीं है मंत्री बनने का? अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा कोई उसमें एहसान नहीं है। तो इसलिए प्रचार प्रसार में ये सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रचार प्रसार में व्यस्त रहती है। जब जहां तक कि मैं कहता हूं कि हमारे जो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू और ये कंप्लीट लॉकडाउन
जो लॉकडाउन जो लगाया गया था, जो वीकेंड लॉकडाउन, वो कारगर नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लॉकडाउन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं, ये 27 मार्च टाइम्स ऑफ इंडिया की हेड न्यूज थी। तो सरकार ही कंफ्यूज है, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आपस में कंफ्यूज हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद सर, एक मिनट और, कि कोविड-19 के कारण लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनको केंद्र और प्रदेश की सरकारें चिन्हित करें, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान, सुन लीजिए भाई, धन्यवाद, प्लीज, कहाँ चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करके, प्लीज, शिक्षा, उनके लिए शिक्षा, अरे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और खान पान की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।